हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं कॉसेस ऑफ कंप्यूटर वायरस के बारे में, यानी कि कंप्यूटर में वायरस आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। कंप्यूटर वायरस होता है कि कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है जो कि आपके सिस्टम में घुस करके आपके डाटा को और आपके फाइल्स को जो है अटैक करके उनको करप्ट कर देता है। ये कंप्यूटर के वायरस आपके इंटरनेट के द्वारा आ सकता है, आपके ईमेल अटैचमेंट के द्वारा आ सकता है, आपके रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, इसके द्वारा भी आ सकता है, और आपके ब्लूटूथ के द्वारा भी कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। तो ये मेन रीजंस होते हैं कंप्यूटर के वायरस आने के लिए। इसलिए आपको इंटरनेट के लिए आपको हमेशा फायरवॉल ऑन रखना है। ईमेल अटैचमेंट में जब आपका एंटीवायरस आपको अलाउ करे तभी उसको डाउनलोड करें। रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस को आने से पहले उसको स्कैन कर लें अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, और ब्लूटूथ से अपने सिस्टम को कभी कनेक्ट ना करें। तो ये कंप्यूटर वायरस के जो मेन कारण होते हैं ये होते हैं। साथ साथ जो है जब आपका सिस्टम एक सिस्टम करप्ट है और वो आपके आपके जो सर्वर से जुड़ करके आपके नेटवर्क से जुड़ करके आपके सिस्टम में कनेक्ट होता है, तो तभी आपको वायरस उस सिस्टम के द्वारा जो है आपके सिस्टम में आ सकता है, यानी कि फैल सकता है। ये इंटरनेट या इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट किसी भी फॉर्म में से फैल सकता है। इसलिए अपने सिस्टम भी बिल्कुल आपको सेफ रखिए, कि तभी आप जो अपने सिस्टम को जब आप सेफ रखेंगे तभी आप रिस्क होने से बचा पाएंगे। जैसे कि एक्सटेंशन .exe.tif.bat.vbs.com, तो इन एक्सटेंशन की फाइलों को आप जल्दी खोलें ना, क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपको हमारे आगे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। प्लीज़ सब्सक्राइब। Please subscribe.